हुआ नजर आया। बता दें बजरंग दल वार्ड संयोजक की हत्या का कारण गला घोट कर यह जहर देना बताया जा रहा है। परिजनों ने 3 दिन पहले हुए झगड़े को हत्या का कारण बताया है। यही वजह बजरंग दल कार्यकर्ता उग्र हो चुके हैं और जिला अस्पताल में जमकर हंगामा कर रहे हैं। अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, जिस तरह का हंगामा हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्या अभी सिचुएशन कंट्रोल में है या नहीं? जी बिल्कुल सच्ची बता दूं कि ये मामला जो है अभी अभी शाम 8 बजे की घटना है, जहां राहुल वर्मा को कुछ लोग जो है एक पहाड़ पे ले गए और पहाड़ पे ले जाकर उसके गला घोट कर या जहर देकर एक घटना का एक कारण बताया जा रहा है, जो कि उनके परिजनों ने बताया है। और उसके बाद जाके चूंकि ये कार्यकर्ता जो है बजरंग दल से जुड़ा हुआ था, तो उसके बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने जो है अस्पताल का घेराव कर दिया और पुलिस के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। उसके बाद पुलिस ने पूरे मामले को समझने के लिए तुरंत जो है यहाँ पीएसी बल तैनात कर दिया है। इसके अतिरिक्त जो जिले के अन्य थानों की फोर्स है वो लगा दी गई है। फिलहाल अभी मामला जो है बिल्कुल झगड़ा हुआ था, क्या कारण उसी झगड़े को बताया जा रहा है, क्या उसकी वजह से हत्या की गई है? जी बिल्कुल, 3 दिन पूर्व भी जो है झगड़ा हुआ था, उसके बाद एक जो है एप्लीकेशन दी गई थी और जो और अन्य कार्यकर्ता थे वो उन्होंने कोतवाली में कोतवाली प्रभारी को जो है सूचित भी कराया गया था। लेकिन उस मामले में जो बड़ी वजह बताई जा रही है, पुलिस की ढील बताई जा रही है। अगर इस मामले में बताया जा रहा है कि पुलिस जो है ढील नहीं डालती और तत्काल उन आरोपियों को जो है पकड़ती, तो आज तक ये घटना नहीं हो पाती। अनुज, क्या लोग अभी भी इसी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, बातचीत की है, समझाने की कोशिश की जा रही है? नहीं बिल्कुल, मौके पर जो है सीओ सिटी जितेंद्र दुबे जो है यहाँ पर मौके पर खड़े हुए हैं, वहाँ जो है समझाने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो है बजरंग दल के कार्यकर्ता और जो है हिंदू परिषद के जो भी कार्यकर्ता है वो बराबर पुलिस पे ये दबाव बनाए हुए हैं कि जो भी ये आरोपी है जिनके नाम पूर्व में दिए गए थे, 5 आरोपियों के नाम लिए जा रहे हैं, तो उनकी गिरफ्तारी जो है तुरंत कराई जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं वो, तो लाश को जो है ना पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और सड़क पर रखकर इस पर जाम भी लगाया जाएगा। चलिए बिल्कुल अनुज, तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज पूरा देश गांधी जी को नमन कर रहा है।